देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह तो अपनी जगह है और सरकार को बदलने का उत्साह है। साथ ही साथ जो मैं महसूस कर सकता हूँ, ये यूपी का प्रशासन शासन प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी जो रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है इंटेलिजेंस एलआई की रिपोर्ट्स नहीं है इनके पास, सभी रिपोर्ट्स रहती हैं कि किस कार्यक्रम में कितने लोग जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित पूर्व घोषित कार्यक्रम है, प्रोटोकॉल जारी है, तो जो मापदंड के हिसाब से सिक्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं की है। लेकिन मैं फूलपुर में था, मैं प्रयागराज में था, जी के आते ही उनके नजदीक जाना चाहते हैं वो तो लीडर का आकर्षण है ही, हमारे लीडर का, वो तो हमारे लीडर का आकर्षण ही है। कितने लोग मक्खी मार रहे हैं, कोई जा नहीं रहा उनके पास। ये आकर्षण सीटों में कैसे तब्दील होगी? एकदम वोटों से होगी। आने वाली 4 तारीख को आप देखेंगे, 5 फेस निकल चुके हैं, छठवां है, 25 को हो ही जाएगा, 1 तारीख को 7वां और 4 तारीख को आप देखोगे। उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य है, भाजपा की तरफ से जो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं वो घोषित हैं, क्या इंडिया अलायंस को अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो वो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होंगे? ये सवाल आपका है कि भाजपा का? नहीं, मेरा सवाल है। आपका सवाल है तो फिर उसके लिए फिर मैं इतना ही विनम्रतापूर्वक जवाब दूंगा कि रिजल्ट आने दीजिए। सब अनुभवी लीडर हैं, जिम्मेदार लीडर हैं, अलग अलग प्रांतों में भी उन्होंने सरकारें चलाई हैं, देश में भी सरकारें चलाई, फैसला ले लेंगे इंडिया गठबंधन के लोग बैठ के। इस बार जो आजमगढ़ का कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को हर हाल में जिताना है, ये तो मेरा सौभाग्य और मैं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ आपके माध्यम से कम वो हर घर पे पहुंच रहे हैं। इस टेम्परेचर में भी लोग मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ता साथी हमारे घर परिवार और अपने व्यक्तिगत काम सब छोड़ के केवल चुनाव के अभियान को गति दे रहे हैं। अब इन कार्यकर्ता साथियों का लगातार जो सहयोग समर्थन मिला वो उतना ही हमारे ऊपर खर्च चढ़ता जा रहा है। आप नेताजी के टाइम से राजनीति कर सीटें जीतने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की 79 जीत चुके हैं और हो सकता है 7वां चरण आते आते 80 भी जीते। 79 में सपा कितनी जीत रही है? हमारा पूरा अलायंस है भाई, सपा 62 लड़ रही है तो सपा 62 जीत रही है। तो जब सपा 62 जीत रही है तो अखिलेश यादव जी से बड़ा सांसद जिताकर लाने वाले नेता इंडिया लैंड में दूसरे कोई है नहीं? नहीं, हो सकता है और भी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है देश के अलग अलग प्रांतों में, हम लोग तो यूपी में लड़ रहे हैं केवल। लेकिन मैं जिस भी रैली में गया, जिस भी सभा में गया, वहाँ कांग्रेस के मात्र लीडर या लोकप्रिय लीडर अखिलेश जी की लोकप्रियता है, उसमें कोई डिबेट नहीं है। और चूंकि हम सामने वाले का भी अदब करते हैं और करना चाहिए मुझे, तो उस नाते हम कह रहे हैं सबकी गरिमा सम्मान बचाते हुए बढ़ाते हुए। तो अखिलेश जी स्वयं राजस्थान के एक शहर से उस सीट को जोड़ते हैं, तो लगता है 25 के बाद आप लोग कूद करेंगे? अरे, अखिलेश जी ने तो आज जोड़ा है, लोगों ने 14 में जोड़ दिया था, उस समय आप लोगों ने सवाल ही नहीं किया। और 14 से 10 साल में क्या किया ये सवाल नहीं किया। अगर आदरणीय अखिलेश जी आज जोड़ रहे हैं तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं? तो आप लोग 25 के बाद क्या वाराणसी की तरफ कूद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 7वें फेज में करेंगे, वाराणसी भी जाएंगे, गाजीपुर मऊ भी जाएंगे, देवरिया का कुशीनगर भी जाएंगे, चंदौली भी जाएंगे, मिर्जापुर की तरफ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अरे राष्ट्रीय जी हर जगह जाएंगे। आजमगढ़ सीट इतना इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री आ चुके हैं और आप तो मेहनत कर ही रहे हैं। अब देखिए, हर पार्टी अपना काम करती है, वो कर रहे हैं तो करें, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये सीट समाजवादियों की है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया सपा पार लगा रही है या सपा का नैया कांग्रेस पार लगाएगी? हम लोगों का बहुत म्यूचुअल और बहुत गहरे रिश्तों के साथ ये गठबंधन हुआ है, इन बातों से हम लोग उलझने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा टारगेट जहाँ है वहाँ एक भी सवाल अभी तक नहीं आया। हमारा टारगेट है संविधान बचाने का, हमारा टारगेट है लोकतंत्र बचाने का, उन मुद्दों की तरफ आइए, और हमारा टारगेट है मीडिया की भी स्वतंत्रता बचाने का, नहीं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी छिनेगी इस देश से अगर बीजेपी लौटेगी तो। लेकिन उधर अमित शाह भी कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं, जो तो अच्छी बात है, हो सकता है उन्होंने कोई सेटिंग कर ली होगी। भाई हम तो 4 का इंतजार कर रहे हैं, अब वो जीत चुके तो हो सकता है सेटिंग कर चुके हैं। जो चुनाव हो चुके उसमें बहुमत का आंकड़ा वो दावा करते हैं कि हम पा चुके हैं, जैसे आपने कहा कि हम उत्तर प्रदेश। देखिए, उनके दावे में अब दम नहीं रह गई है और दावे को अब लोग गंभीरता से ले रहे हैं, कुछ भी दावा कर दें वो कोई नहीं सुनने को तैयार है। और यूं ही नहीं, उसके भी जिम्मेदार खुद हैं, 14 से लेके 24 आ गई, 10 साल में इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब अगर वो कोई बात सच भी कहेंगे
तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये जो 14 सीट है जिस पर 25 को मतदान होना है, ये आजमगढ़ के आसपास की सीटें हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर राजा भैया भी हैं, वो चुप हैं और अपने समर्थकों से स्वतंत्र होकर मतदान करने की। देखिए, अब उनका फैसला, उसमें मेरे बारे में कोई हमसे कंसर्न तो है नहीं ना, हमारी पार्टी के सदस्य जो हम उनके बारे में कोई बात कहें मुझे नहीं मालूम। मैं अपने चुनाव बिजी हूँ कि वो किन परिस्थितियों में क्या फैसला ले रहे हैं। बाकी सीटों पर भी तो आपके उम्मीदवार हैं। तो मैं कह रहा, मैं अपने चुनाव बिजी हूँ, मुझे पता ही नहीं। आप समर्थन लेना नहीं चाहेंगे अगर वो सपा की तरफ उनका झुकाव है तो? क्या आप समर्थन लेना नहीं? नहीं, मुझे ये भी जानकारी नहीं झुकाव है। मैं रात दिन, मैं आपसे 12 बजे बैठ रहा हूँ, अभी 200 लोग बैठे हुए मेरे पास, अभी घर जाऊंगा तो वहां भी 10-20 लोग मिलेंगे, तो मैं अपने चुनाव से इतना समय नहीं पा रहा हूँ। कौन क्या कर रहा है मुझे जानकारी नहीं है। जो बाय इलेक्शन हुआ उसके बाद जो सांसद, किस सांसद की बात कर रहे हैं? निरहुआ की, तो इसका जवाब तो वो देंगे, हम थोड़ी देंगे। क्षेत्र तो आपका भी है, आप यहां। उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने केवल बयानबाजी दी है। ये प्रधानमंत्री जी बुलाए थे, एक कमरे का उद्घाटन कराए थे एयरपोर्ट पे, 33वें दिन उसमें आग लगी। आप भी यहाँ से कल जाइएगा, देखिएगा, और मैं समझता हूँ दिखाना चाहिए आपको जो यहाँ के स्थानीय जर्नलिस्ट हैं उनको। लेकिन आप तो बेधड़की से बोलते हैं, जब इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, तो यकीनन यहाँ से सीटें ज़्यादा निकलेगी और वो पार्टी समाजवादी पार्टी है, लेकिन प्रधानमंत्री अखिलेश जी बनेंगे नहीं बनेंगे इस पर आप संयम रखना चाहते हैं, मौन रखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करना जानते हैं। गठबंधन धर्म होता है, उस धर्म में सब लोग मिलकर ही कोई फैसला लेते हैं और इंडिविजुअल कोई फैसला नहीं होता है। और जहाँ तक इंडिविजुअल भावनाएं, फीलिंग क्या हो सकती है, क्या होंगी, वो आप भी समझते हो और पूरा देश समझता है, मैं क्या समझ सकता हूँ। कभी नेताजी कहा करते थे, मुलायम सिंह यादव जी, तो सदे नेताजी तो 17 सीटों में ही प्रधानमंत्री बन गए थे। उनके खिलाफ अगर षड्यंत्र ना होता, ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट, तो प्रधानमंत्री बन गए थे 96 में। गुजराल साहब के समय ही बन गए थे। वो डर अभी है, षड्यंत्र हो सकता है? नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई बात ही नहीं। हमारे लीडर ने कहा कि हम उस लाइन में नहीं, तुम्हारे लीडर ने खुद ही कहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।